सिविल लाइन्स पुलिस ने मंगलवार दोपहर एक युवक को विदेशी करेंसी के साथ गिरफ्तार किया। उसके पास से बरामद करेंसी की भारतीय मूल्य में कीमत 22,50,000 बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार युवक चांद शहर के मुठ्ठीगंज थाना अंतर्गत हटिया का रहने वाला है, जबकि उसका दूसरा साथी आफाक अताला की करे थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आफाक की तलाश में पुलिस की टीम लगा दी गई है। गिरफ्तार युवक के पास सऊदी अरब, कुवैत, मलेशिया सहित कई देशों की करेंसी व यूरो के 276 नोट बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक लोगों से ठगी कर विदेशी करेंसी खपाने के फिराक में थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी चांद और आफाक दिल्ली यहाँ से जो है विदेशी मुद्रा लोगों से छल कपट करके ले जाके दिल्ली में खपाते थे। इसके पास भारत का अनुमानित मूल्य लगभग 22.5 लाख के आसपास है। 276 नोट पकड़े गए हैं विदेशी, जो कई देशों के हैं, सऊदी अरब, बैंकॉक, अमेरिका, मलेशिया, कई देशों से हैं। कुवैत के भी 2-3 नोट हैं, इसमें बरामद किया गया है। जो मेन अभियुक्त है आफाक डॉलर, ये अटाला का रहने वाला है, जो अपना घर बंद करके यहाँ से भाग गया है। जानकारी मिली है तो भाग गया है, दबिश दी जा रही है और लोग हैं जिसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और इसमें ये जो बयान दिया है अभियुक्त चार, ये लगभग महीने में 4 से 5 बार ये करता था और यहाँ से करीब करोड़ों का ये हवाला करता था। कहाँ से लाते थे ये पता चल जी? लाते कहाँ थे ये लोग? इन लाते यहीं से, लोगों से, इसे जो विदेश से आ रहे हैं, करेली फरेली दहने बाएँ से, इसे अपना बदलते थे, नोट देते थे और इस माध्यम से धीरे से इसको ले जाकर दिल्ली में। नाम था इसी हवाले के लिए तो उसका डॉलर नाम पर जारी हो रहा है उसके तुरंत जो है मौके पर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब।